हेलो स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, विभागीय लेखांकन। इस पीपीटी में हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्यों बनाए, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, फॉर व्हाट पर्पस दे आर प्रिपेयर्ड, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड एंड हाउ द एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, किस तरीके से खर्चों को और इनकम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। So what is departmental store? A business have different activities under the same roof for giving more facilities to their customers. For that the business entity is divided into different departments. That means the business entity अपने customers की need को satisfy करने के लिए for satisfying the needs of each and every demand of the customers. They deal with different commodities, they deal with different articles and services to customers. So the business entity is divided into the number of departments. Every department deals with a particular class of goods. For example, हम ले रहे थे कॉस्मेटिक गुड्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, मेडिसिन के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, क्लोथ, प्रोविजन, स्टेशनरी एक्सेट्रा। इस तरीके से अगर बिजनेस एंटिटी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, फॉर ईच एंड एवरी आर्टिकल एंड सर्विसेज देयर इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ओके, तो इट इज नेसेसरी फॉर एवरी डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट सेपरेटली। हर डिपार्टमेंट का एक सेपरेट ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है। ये सेपरेट ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एवरी डिपार्टमेंट सेपरेटली, ताकि बिजनेस एंटिटी में ये पता चल सके कि किस डिपार्टमेंट से कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट हो रहा है और अलग से हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर ईच डिपार्टमेंट सेपरेटली। वो भी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे बनेगा। हर एक डिपार्टमेंट का हम ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे जब ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ईच डिपार्टमेंट का अलग अलग बनेगा तो मेन प्रॉब्लम ये आती है। सपोज द मेन प्रॉब्लम इज एलोकेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं, वो एक्सपेंसेस है दैट कैन बी डायरेक्टली एलोकेटेड, दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट ऑफ इस डिपार्टमेंट। दैट मीन्स इफ देर आर टू डिपार्टमेंट, सपोज ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, हमें ये पता है कि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं ए डिपार्टमेंट के इतने हैं। एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस सपोज ले लो, ए डिपार्टमेंट के हैं 5,000 और बी डिपार्टमेंट के हैं 6,000। तो हम लोग ने यहाँ पे हमें अलोकेट करके ऑलरेडी दे दिया कि ए में इतने डालने हैं 5,000 और बी में डालने हैं 6,000। तो ये हो जाएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दैट इज डायरेक्टली एलोकेटेड। उसके अंदर डाल देंगे हम लोग वैल्यूज एज इट इज पुट कर देंगे जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें जॉइंट एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं दो तीन डिपार्टमेंट का, या ए और बी की बात करें, हम दो डिपार्टमेंट है तो एक साथ 10,000 रुपये का खर्चा दे दिया। अब हमें ये एलोकेट करना है कि ए डिपार्टमेंट में कितना डालना है और बी डिपार्टमेंट में कितना डालना है, तो उस एलोकेशन की प्रॉब्लम आती है यहाँ पे मेन ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट में। तो अब हम आगे वाली स्लाइड्स में ये देखेंगे कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिनका एलोकेशन नहीं हुआ है अभी तक, उनको किस तरीके से दोनों डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अ टेबल फॉर एलोकेटिंग डिफरेंट expenses on the following basis. These are some examples we have taken. This table is very important because through this table we will know ki how to distribute the expenses or how to allocate the expenses in different departments, on what basis we will allocate these expenses, kis basis pe hum jo allocation jo hum log distribution karenge total expenses ka between डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो मैं इस टेबल में एक बार पॉइंट वाइज समझा देती हूँ। ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में डिटेल में भी दे रखी है, आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी खर्चा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं दोनों डिपार्टमेंट या चारों डिपार्टमेंट के अंदर, वो कौन से बेसिस पे हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला है जैसे सपोज एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ, डिस्काउंट अलाउड, बेड डेप्स, कैरेज आउटवर्ड, ट्रेवलिंग एंड पैकिंग एक्सपेंसेस। ये सारे खर्चे वैसे देखा जाए तो सेल्स से रिलेटेड है, तो इसका बेसिस क्या हो गया, सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट की जो सेल्स का रेशियो होगा, एक का है सपोज 10,000, एक की है सेल्स 20,000, तो रेशियो हो गया 10:20, दैट मीन्स 1:2 का रेशियो। तो इसका मतलब जो भी एडवर्टीजमेंट है यहाँ पे, जो भी खर्चे हैं, वो सारे कौन से बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, उन दोनों के सेल्स के रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सेकंड खर्चा है डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन पेड ऑन परचेजेस, कैरेज इनवर्ड। ये सारे खर्चे किस पे होते हैं, परचेजेस पे होते हैं, तो उसका बेसिस परचेजेस है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस। तो जो जिस वैल्यू पे, जिस एसेट्स पे हम लोगों को डेप्रिसिएशन लगाना है, रिपेयर लगाना है, उस एसेट ईच डिपार्टमेंट में कितना, कितने वैल्यू के एसेट वो
ओन करते हैं उस बेसिस पे वो उस रेशियो में वो खर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस एरिया के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लाइटिंग एंड पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर सेपरेट मीटर्स लगा रखे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एरिया के तो सेपरेट मीटर्स कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, मीटर्स के अंदर हमें पता चल जाएगा। अगर मीटर नहीं लगा रखे हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेंगे और उस बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स जो होते हैं उस बेसिस पे हम लोग रेशियो निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है क्वेश्चन के अंदर इन दोनों से रिलेटेड तो उसको किस बेसिस पे करेंगे, एरिया के बेसिस पे करेंगे। सैलरी ऑफ, अब यहाँ पे ये तीन अलग खर्चे दे रखे हैं, दीज आर कॉमन एक्सपेंसेस और वी कैन से दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बेसिकली दीज आर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिपार्टमेंट वाइज नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं एंड कॉमन एक्सपेंसेस हैं। तो ये जो कॉमन एक्सपेंसेस है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, जो हमारे फाइनेंशियल इनकम है, हमने कोई इन्वेस्ट किया है वहाँ से जो इनकम आ रही है, कोई इनकम टैक्स का पेमेंट है जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, मैनेजर या जनरल मैनेजर की सैलरी है जो ओवरऑल है तो उसको हम लोग डालेंगे डेबिटेड टू P&L अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में कोई अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो उसको सेल्स बेसिस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये डेबिटेड टू P&L अकाउंट है, दैट मीन्स डेबिटेड टू जनरल P&L अकाउंट। जनरल P&L अकाउंट क्या होता है वो मैं आगे वाली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगी। दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन करने से पहले आप लोग ये टेबल ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, तो हम लोगों ने अपोर्शनमेंट टेबल देख ली थी जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन से बेसिस पे हम लोगों को एक्सपेंसेस अलोकेट करने हैं। उस टेबल पे मैंने लास्ट में जो तीन पॉइंट्स उसमें मैंने बताया था कि जनरल P&L अकाउंट के अंदर इन एक्सपेंसेस और इनकम को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। जनरल P&L अकाउंट वो P&L अकाउंट है जिसमें कॉमन इनकम और कॉमन एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस ट्रांसफर किए जाते हैं। सारे डिपार्टमेंट के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किए हैं हमने थ्रू ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, वो सारे डिपार्टमेंट के जो है वो ट्रांसफर होंगे जनरल P&L अकाउंट के अंदर। और जो जनरल P&L अकाउंट का बैलेंस, जो फाइनली बैलेंस आएगा नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बिजनेस कंसर्न के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया डिपार्टमेंट वाइज। डिपार्टमेंट में हमने अलग अलग प्रॉफिट कैलकुलेट किए। अब वो जो अलग अलग प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किए हैं, सपोज प्रॉफिट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम डिपार्टमेंट बी ट्रांसफर टू जनरल P&L अकाउंट, पूरी एक बिजनेस कंसर्न का एक कॉमन P&L अकाउंट बनेगा, दैट इज नोन एज जनरल P&L अकाउंट। इस P&L अकाउंट से हम लोगों को क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंटिटी। ये जो नेट प्रॉफिट होगा वो आगे फर्दर बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो दिस इज नोन एज जनरल P&L अकाउंट। कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक्सप्लेन करूंगी। हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, विभागीय लेखांकन। इस पीपीटी में हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्यों बनाए, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्यों बनाए जाते हैं, फॉर व्हाट पर्पस दे आर प्रिपेयर्ड, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड एंड हाउ द एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, किस तरीके से खर्चों को और इनकम को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है। ओके, सपोज अगर वो ट्रांसफ़र जो हुआ है, ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को जो ट्रांसफ़र किया है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र, वो अगर इनवॉइस प्राइस पे हुआ है तो जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट है, सप्लाइंग डिपार्टमेंट मतलब ए डिपार्टमेंट ने बी को ट्रांसफ़र किया, ए इज़ सप्लाइंग डिपार्टमेंट बी इज़ रिसीविंग डिपार्टमेंट, तो ए के लिए तो वो क्या मानी जाएगी, सेल्स मानी जाएगी क्योंकि वो इनवॉइस प्राइस पे हो रही है।
जैसे कस्टमर्स को सेल की जाती है उसी तरीके से इसको भी सेल माना जाएगा, एंड परचे और रिसीविंग डिपार्टमेंट के लिए वो परचेजेस माना जाएगा। तो जब हम लोग सप्लाइंग डिपार्टमेंट मतलब ए के अंदर जब एंट्री करेंगे तो उसको एज अ सेल्स एंट्री करेंगे, और जब हम लोग बी के अंदर उसकी एंट्री करेंगे तो एज अ रिसीवर एज अ परचेज एंट्री करेंगे। ठीक है, अब इस केस में एक स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट किया जाएगा ओनली व्हेन इट इज़ ट्रांसफर्ड एट इनवॉइस प्राइस। अगर सिर्फ इनवॉइस प्राइस पे ट्रांसफ़र किया है तो ही रिजर्व कैलकुलेट किया जाएगा। ये रिजर्व भी तब कैलकुलेट किया जाएगा जब सारा स्टॉक हम लोगों ने जो ट्रांसफ़र किया है वो अगर उन्होंने कस्टमर्स को सेल कर दिया है तब तो कोई ज़रूरत नहीं अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की। सेकंड पॉइंट देखिए आप लोग, मैंने यही लिखा है अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेटेड इफ एंटायर स्टॉक इज नॉट सोल्ड बाय रिसीविंग डिपार्टमेंट। अगर सारा की सारा स्टॉक जो हमने भेजा है, सपोज ए ने बी को 80,000 का स्टॉक भेजा है और 80,000 सारा की सारा बिक गया है, सारे की सारे स्टॉक की क्या हो गई है, सेल हो गई है टू द एंड कस्टमर्स, तो अनरियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज अनरियलाइज प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ उसका 80,000 का कुछ पोर्शन जो ए ने दिया है वो हमारे पास बच चुका है तो वो है हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ ए डिपार्टमेंट, सप्लाइंग डिपार्टमेंट। सप्लाइंग डिपार्टमेंट ने इनवॉइस प्राइस पे दिया है तो वो प्रॉफिट क्या हुआ, अनरियलाइज्ड रह गया। तो अगर कुछ स्टॉक रह गया है तो स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन की जाएगी। वो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी वो मैं आपको पीपीटी पे नहीं एक्सप्लेन कर सकती, मैं या तो वीडियो भेजूंगी या उसको क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजूंगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा स्टॉक रिजर्व की कैसे कैलकुलेशन की करी जाएगी, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन। उसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, जो रिजर्व हम कैलकुलेट करेंगे स्टॉक के ऊपर वो रिजर्व ट्रांसफ़र हो जाएगा जनरल पी एंड एल अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। इफ सप्लाइंग डिपार्टमेंट सोल्ड गुड्स टू रिसीविंग डिपार्टमेंट एट इनवॉइस प्राइस देन वी हैव टू कैलकुलेट स्टॉक रिजर्व, दैट मीन्स द अनरियलाइज प्रॉफिट। फर्स्ट ये देखना है कि स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट किस पे होता है। स्टॉक रिजर्व इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट। स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट तब होता है जब जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट ने रिसीविंग डिपार्टमेंट को गुड्स सेल किए हैं, और अगर वो गुड्स सारे के सारे कस्टमर्स एंड कस्टमर्स को सेल नहीं हुए और उसमें कुछ स्टॉक बच जाता है तब स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन होती है। अगर सारा की सारा गुड्स जो है वो सेल हो चुका है तो उसके ऊपर स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन नहीं होगी। सपोज क्वेश्चन में दे रखा है कि 80% ऑफ द स्टॉक जो है वो सेल होना, अगर सपोज क्वेश्चन में दे रखा है कि 80% जो स्टॉक है किसी डिपार्टमेंट का वो सप्लाइंग डिपार्टमेंट से, तो हमें सिर्फ स्टॉक 80% पे ही कैलकुलेट करना है जो सप्लाइंग डिपार्टमेंट से आया है। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि अगर ए डिपार्टमेंट सप्लाइंग डिपार्टमेंट है और बी डिपार्टमेंट रिसीविंग डिपार्टमेंट है तो जो स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन होगी वो रिसीविंग डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी या ओपनिंग स्टॉक पे, ओपनिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, और हमें या ऑलरेडी कैलकुलेटेड दे रखा है तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी इस हिसाब से होगा। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट मतलब बी के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है। रिजर्व कैलकुलेट तो रिसीविंग डिपार्टमेंट के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पे करना है, लेकिन जो हमें जीपी की रेट लेनी है वो सप्लाइंग डिपार्टमेंट की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जीपी की रेट जो हम यूज़ करेंगे रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए वो सप्लाइंग डिपार्टमेंट की रेट यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अनरियलाइज प्रॉफिट निकाल रहे हैं किसका, सप्लाइंग डिपार्टमेंट का। तो जो जीपी की रेट होगी वो सप्लाइंग डिपार्टमेंट की यूज़ होगी और जो स्टॉक है वो रिसीविंग डिपार्टमेंट का होगा। ये दो चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। जीपी की रेट कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इन 200। जो आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल से जीपी आया है उसको सेल्स से डिवाइड करके आप इन 200 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लास्ट जो रिजर्व आपने कैलकुलेट किया है उस रिजर्व की जो एंट्री होगी, उस रिजर्व को हम लोग जो ट्रांसफ़र करेंगे वो किस में ट्रांसफ़र करेंगे, जनरल पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा वो रिजर्व, जनरल पीएनएल अकाउंट में वो रिजर्व ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व जो कैलकुलेट किया है वो आएगा टू स्टॉक रिजर्व ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरीके से रिजर्व की कैलकुलेशन होगी और ट्रांसफर होगी।